Stance is how the way we stand for a fight. We block and attack. Stance is a position in which you fight. And this position should be powerful and strong. Basics of martial arts. In the very first day, start practicing how to start your martial arts training. How to take stance to stand. Try to make your position strong. From both sides, but four sides, lift your knee up according to the level of your belly. Now you will push your kick to the front side. Check your body balance and strength in your kick that is going to be pushed. The target should be in your mind and before your eyes. Push and push. Change the sides and set your body balance, body level. Settle the coordination of your arms and your legs along with the practice. Now personify the wall as an enemy. Convert your thinking in a real. As you are standing before your enemy, he will not leave you spare. Now tackle the situation. Assalamu alaikum, this is Shahzad Chauhan, Grandmaster of Pakistan Martial Arts, your instructor. Aaj humne stand se aage badhna hai, front kick karenge, forward stamp bhi kehte hain ise. Let's start by saying in the name of Allah. फ्रंट किक के बारे में आपको बताता चलूँ कि रोड फाइट के लिए ये बेहतरीन किक है, बहुत ज़बरदस्त और डेंजरस किक है। इसमें आपने किक को बैली के पैरेलल उठाना होता है और पुश करना होता है फ्रंट साइड सामने की तरफ। बैलेंस बनाते हुए किक को ऊपर उठाएं। इस तरीके से किक करने से पहले आपने ये प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको किक करने में, सीखने में आसानी हो। दोनों तरफ से इसी तरह किक्स को खोलेंगे। साइड ब्लॉक हमने प्रीवियस लेसन में कर लिया था, इसके साथ हम लोअर साइड ब्लॉक करेंगे। दोनों तरफ से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये ठीक है ये शर्ट ग्रैब, अगर आपको कोई आपका गिरीबान पकड़ लेता है, शर्ट से इस तरह पकड़ लेता है, तो आपने किस तरह से उसको रिलीज करना है। इस तरह से पहले तो आपने पकड़ने ही नहीं देना। फर्स्ट जो डिफेंस है ये है कि अगर वो आपका गिरीबान पकड़ता है पकड़े तो आपने पकड़ने ही नहीं देना। ठीक है, आपने उसको पकड़ने देना। अगर पकड़ लेता है तो उसको जो शॉर्ट टेक्निक्स है वो ये है। ठीक है, शॉर्ट तरीका है, अगर पकड़े। उसके बाद आपने अगर एक हाथ से आपने करना भी नहीं देना। ठीक है, उसके बाद अगर आप इधर से करेंगे तो ये तरीका। ठीक है, अगर आप बाहर से करेंगे तो फिर इस तरीके से ग्रिप करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। फिर आप अपने फिर उसके बाद ये हाथ आपने अंदर वाली साइड से क्लोज करते हो।
इस तरह से पकड़े ये हाथ अंदर वाली तरफ से आपने ऐसे ग्रिप करना है और ये देखें यहाँ पे आपने लॉक लगाना, थोड़ा पीछे दिखाओ, फिर यहाँ से आपने लॉक लगाना, फिर एक बार करेंगे इधर से हाथ और यहाँ से लॉक लगाएंगे, ठीक है जी, हिलना नहीं चाहिए, फिर पकड़े जाना। यही तरीका जो है आप अगर इस तरफ से मूव करते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको आप जब इस तरह से मूव करेंगे तो फिर भी ये रिलीज कर सकते हैं आप, ठीक है जी। और सबसे जो शॉर्ट तरीका है इसका वो देखिए पकड़े आप, ये देखिए ये तरीका है, ठीक है जी, ये फिर आप हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ये शार्प इसकी टेक्निक है जिसे हम शार्प टेक्निक कहते हैं, जदीद लेटेस्ट टेक्निक है, ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखें कैसे, ये देखें मुख्तलिफ तरीके से अंदाज से आप इसको, ठीक है जी। अब मैं आपका गिर पकड़ूंगा, आप बताइए कि किस तरह से आप रिलीज करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा दूसरे तरीके से, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, आप काफ़ी हद तक आपको इसकी समझ आई है, गुड। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहना है तो इंशाल्लाह कोई बंदा अगर आपको दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो फिर वेरी नाइस, ठीक है, वेरी सिंपल, फिर अपने आप यहाँ से आपने यूज करना है और यहाँ पे जाए, ये चीज़ है। ओके जी, थैंक यू सो मच, लर्निंग एंड हेल्पिंग यू, teaching you well-made and chiseled techniques of self-defense. You will watch this video, how to defend sudden attacks and their proper solutions by telling you two techniques of self-defense martial arts.